दूसरी चीज वामिलु सालिहात, अल्लाह ताला ईमान के साथ नेक अमल की भी अल्लाह तौफीक दे, नेक अमल की भी। हमारी बड़ी परेशानी है खास तौर से कुरान और हदीस पर चलने वालों की, इसलिए कि मैं हमारी मस्जिद में जुमा का खुतबा दे रहा हूं, इसलिए हमारी बड़ी परेशानी है। अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह ने हमें सिरात मुस्तकीम दिया है, सही है। अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह ने कहां से उठाया, कोई कब्र परस्त था वहां से उठाया, उठा के अल्लाह ने तौहीद दे दिया, अल्लाह अकबर। कोई कहां कहां जा रहा था, अल्लाह ने वहां से उठाया और अल्लाह ने सिरात मुस्तकीम दे दी। ये एक कितनी बड़ी नियमत है, मगर हमारी परेशानी यह है हमें सिरात मुस्तकीम जहां मिली है वहीं बैठ गए हैं, उस पर चल नहीं रहे हैं, उस पर चल नहीं रहे हैं, यह हमारी परेशानी है। हमें तौहीद का रास्ता मिला है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम मिला है, कोई शक नहीं है। ये नबी का रास्ता है, ये सहाबा का रास्ता है, इसमें राय के दाने के बराबर भी डाउट न कीजिए, मगर हमारी मजबूरी है हम वहीं बैठ गए, चल नहीं रहे हैं। अमल की जरूरत है, अमल की। बहुत सारे भाइयों से मैं कहता हूं भाई जो साबित नहीं है वो मत कीजिए, जो साबित है वो तो कीजिए जी, जो साबित है वो तो कीजिए। दिन में 12 रकत सुन्नत फर्ज के साथ साबित है, ये साबित है, ये किसी ज़ईफ रिवायत से नहीं है, कवी रिवायतों से साबित है। और जन्नत में एक घर, इसकी फजीलत बयान की गई है, ये तो पढ़िए। इमाम सलाम फेरता नहीं, आप गाड़ी स्टार्ट करते रहते हैं, इमाम सलाम फेरता नहीं, आप पता नहीं आखिरी रकत में ही तय कर लेते हैं मुझे जल्दी निकलना है। नमाज खत्म होने से पहले अहले इल्म ने लिखा है गोया कि कैद खाने में लॉक कर दिया गया है आपको, जैसे ही इमाम ने सलाम फेरा आपका लॉकअप खोल दिया गया और आप भाग रहे हैं, या फिर आपके सर पे बोझ रख दिया गया है और जैसे ही इमाम ने सलाम फेरा बोझ नीचे रखा और भाग रहे हैं। ये नमाजें हम पढ़ेंगे, ये इबादतें हम करेंगे, क्या यह हकीकत है? नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो नमाज के बाद बैठते हैं, जिक्र करते हैं, अल्लाह अकबर, अस्तग़फिरुल्लाह, 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 अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम, क्या दुआ है। तबारक तयादल जलाल वल इकराम रब्बी आइन्नी, या एक रिवायत में अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। सारे बेंगलोर के उलमा भी मिल जाए ना, इस एक दुआ का नमाज के बाद मुकाबला नहीं कर सकते जी। आइन्नी अला ज़िक्रिक, अल्लाह मेरी मदद फरमाता कि मैं तेरा जिक्र करूं। अला ज़िक्रिका व शुक्रिका, मैं तेरा शुक्रिया अदा कर सकूं। व हुस्नि इबादतिक, और तेरी अच्छी इबादत करो, अल्लाह मेरी मदद फरमा। रब्बी आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक, अमल में अल्लाह के लिए आगे बढ़ो। जो साबित, जो जिक्र साबित है करो, सुबह में नमाज के बाद 100 मरतबा साबित है, सही बुखारी से साबित है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला लहुल मुल्क व लहुल हम्द युही व युमीत, बाज़ रिवायतों में इसके बगैर लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शयइन कदीर, बुखारी की हदीस है। 100 मरतबा जो पढ़ लेता है, अल्लाह के रसूल फरमा रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सारा दिन जिन का असर नहीं होगा, जादू का असर नहीं होगा। कितनी बड़ी फजीलत, जो साबित है करो ना मेरे भाई, करो ना। एक एक घंटा जाके रुखिया कराते हो और एक एक महीना रुकिया कराते हो, जादू हो गया, उठे तो गलती, बैठे तो गलती। इतना कमजोरी मान लेके हम जी रहे हैं, उसने नजर लगा दिया, इसने नजर लगा दिया। सुभान अल्लाह, जो साबित है सुबह में कर लो, अल्लाह तबारक व तआला जिंदगी महफूज रखेगा। मैं ये गौर से बोल रहा हूं, सुन्नतों की पाबंदी करो, नमाज फर्ज के साथ साथ अल्लाह मुझे और आपको इसकी तौफीक अता फरमाए जी। फर्ज के साथ साथ सुन्नतों की पाबंदी करो, जिक्र की पाबंदी करो, जिक्र करने की कोशिश करो। सुभान अल्लाह, हमेशा जो साबित जिक्र है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह करो। दूसरी चीज है इल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, नेक अमल। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह।